दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। आज वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिसे अक्सर आप कूड़े में फेंक देते हैं ये सोचकर कि ये चीज हमारे किसी भी काम की नहीं, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आपकी आपकी सेहत में चार चांद लगाते हैं। आपके मोटापे को भी कम कर सकते हैं, शुगर लेवल को कम कर सकते हैं, बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी रोग में बहुत अधिक फायदेमंद है। ज्यादा सस्पेंस में नहीं लगते, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो चीज है, बड़े ध्यान से देखिएगा, आप जब से देखेंगे तो पक्का आपको याद आ जाएगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज है यार, हमने तो इसे कभी हाथ भी नहीं लगाया। पर ध्यान से देखिएगा जी हाँ, ये है भुट्टे के बाल यानी कॉर्न सिल्क या भुट्टे के रेशे कह सकते हैं। जब भी हम भुट्टा लेते हैं, उन्हें छीलते हैं, तो उनके साथ ये हमें मुफ्त में मिलते हैं और अक्सर ये छिलकों के साथ डस्टबिन में चले जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप इसे नहीं फेंकने वाले, क्योंकि ये आपकी आपका जो मोटापा है उसे भी कम कर देंगे और साथ ही किडनी रोग से रिलेटिव या यूरिन से रिलेटिव जो भी रोग है उसमें फायदा देगा। ये कैसे देगा वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, इसके बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, साथ ही इसको यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगी। एंड हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने उसे नहीं देखा और उसके बाद आपने उसका सेवन करना स्टार्ट कर दिया तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आधी अधूरी जानकारी मत लीजिएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये भुट्टे के बाल, बिल्कुल नाजुक से बेजान से दिखने वाले भुट्टे के बाल कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। ये फायदेमंद होते हैं अपने पोषक तत्वों के कारण। इसके अंदर पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी टू, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसके साथ इसमें आयरन, फाइबर, मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है और कई रोगों से लड़ने में मदद करता है। भुट्टे के बाल का सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी होती है उसे बाहर करने में हेल्प करता है। जब भी आप भुट्टे के बाल का सेवन करते हैं उस दौरान हमें यूरिन यानी पेशाब ज्यादा आती है। जी हमें बाथरूम ज्यादा जाना पड़ता है। बाथरूम बार बार आने की वजह से हमारे शरीर से ज्यादा पानी बाहर जाता है। उस पानी के साथ जो हमारे शरीर की गंदगी है वो भी बाहर आती है। तो हमारे शरीर को अंदर से साफ करने के लिए भुट्टे के रेशे यानी भुट्टे के बालों का इस्तेमाल करते हैं। एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप भुट्टे के बालों का सेवन करें उस दौरान आपको पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि जब भी आप भुट्टे के बाल लेते हैं तो यूरिन ज्यादा आती है, पेशाब, हमें बाथरूम बार बार जाना पड़ता है जिस वजह से शरीर से पानी ज्यादा निकलता है। तो पानी की कमी ना हो इसलिए पानी की मात्रा जो है वो हमें ज्यादा सेवन करनी चाहिए। भुट्टे के बाल यूटीआई में यानी पेशाब से होने वाले रोगों में फायदेमंद है। पेशाब में होने वाली जलन में राहत दिलाता है, साथ ही पेशाब के रास्ते में अगर जलन है, सूजन है, इन्फेक्शन है, उसको भी कम करने में हेल्प करता है। यूरिन ज्यादा मात्रा में आता है जिससे बैक्टीरिया पनपने का जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है। भुट्टे के बाल किडनी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होते हैं। जी हाँ, अगर आपको किडनी स्टोन है तो ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसके लिए आपको चाय बना के पीनी है। भुट्टे की चाय बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया है और इसमें लगभग 50 ग्राम भुट्टे के बाल मैंने लिए हैं। अब मैं यहाँ पे चीनी और नमक ऐड करूँगी। दोस्तों, आप अपनी स्वास्थ्य और पसंद के हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकती हैं। जैसे आप यहाँ पे हनी ऐड कर सकती हैं और सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शुगर और बीपी की प्रॉब्लम होती है। आप अपने हेल्थ के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जब पानी आधा रह जाए तो आप इसे छान लीजिए और गर्मा गर्म ही इस चाय को एंजॉय करिए। दरअसल भुट्टे के बाल से बनी चाय किडनी में जमा टॉक्सिन एंड नाइट्रेट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, साथ ही जो किडनी में स्टोन है, पथरी है, उसे भी गला कर बाहर कर देते हैं। भुट्टे के बाल डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। भुट्टे के बाल में कुछ ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर में इंसुलिन को कंट्रोल करता है। भुट्टे के बाल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जो खाने को पचाने में हेल्प करता है, साथ ही आपकी भूख को भी बढ़ाता है। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो भुट्टे के बाल आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। दरअसल वाटर रिटेंशन एंड शरीर में जहरीले पदार्थों की जमा यानी वसा की जमा होने से मोटापा आता है।
तो ये भुट्टे के बाद क्या करते हैं, हमारे शरीर से टॉक्सिन जमा जो विषैले पदार्थ होते हैं इन सबको हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे हमारा मोटापा भी कम होता है। साथ ही इसमें भरपूर फाइबर पाए जाते हैं जो मोटापा कम करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए इसके साइड इफेक्ट की बात करें। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं उस दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, मांसाहार नहीं खाना, केवल आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है। इसके अलावा आप डिब्बा बंद खाना या फिर जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना और शराब का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना, वरना आपको उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, इस बात का ख्याल रखना। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एक माँ है और अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं, फीडिंग कराती हैं, तो आपको इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसके सेवन से हो सकता है दूध की मात्रा कम हो जाए, जो आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और एक बार अगर आप इसका सेवन करेंगे उस वक्त यूरिन जो है, पेशाब जो है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन अगर आप पानी कम पियेंगे तो शरीर में पानी की मात्रा जो है वो कमी हो जाएगी, तो आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है डिहाइड्रेशन की, उस वक्त आपको इसका सेवन नहीं करना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो दोस्तों ये थे भुट्टे के बाल के फायदे और नुकसान। आई होप ये जो आज का वीडियो है आप लोग के लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। दोस्तों अगर मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स से पूछ लीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूँगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड हाँ पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ रेड कलर का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिर हाँ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।